या मुंडर न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया। गुलशन के लिए और के लिए गुलदस्ते, गुल के लिए गुलशन के लिए और के लिए गुलदस्ते, आप सभी को जय और वंशिका की तरफ से प्यार भरा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आहा एही ओहो, प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आप सभी को जय और वंशिका की तरफ से प्यार भरा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो हाँ जी, आज हम आए हैं तस्वीर वेलफेयर फाउंडेशन में, जो कि बॉलीवुड में बहुत ही अच्छा फाउंडेशन जो है। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे प्यारे से अंकल को। थैंक यू अंकल, आपने हमें मतलब अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आने की, और विजय तस्वीर अंकल को कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आने की और अपना टैलेंट दिखाने की, और मतलब तस्वीर वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में और बहुत सारी जानकारी लेने की। बहुत ही अच्छा वर्क है, सोशल वर्क है, और बॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड के मतलब एक्टर्स के बारे में तो सब सोच लेते हैं, लेकिन टेक्नीशियंस के बारे में, सेटिंग के बारे में, और मतलब एक्टर्स के अलावा उनके बैकग्राउंड जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो कि हम सिर्फ एक्टर्स को गिनते हैं, लेकिन ये जो फाउंडेशन है तस्वीर वेलफेयर फाउंडेशन, ये एक्टर्स के अलावा बहुत सारे लोगों को और ऑलरेडी सपोर्ट करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मीडिया फोटोग्राफर को और बहुत सारे जो मतलब एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं, उनको बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म देते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। मीडिया ही सपोर्ट करती है, और मीडिया ही मतलब आजकल, और जैसे कि COVID-19 है, उसमें भी सोशल वर्क करना, अपने आप को मतलब कम करके दूसरों को ज़्यादा देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी 2020 का आज मतलब सेकेंड लास्ट दिन है, कल लास्ट दिन है, और ये पूरे साल में पूरी मदद करना और मतलब बुरे वक्त में किसी का साथ देना, जो भी देता है ना, वो एक एंजल के समान होता है। और ये फाउंडेशन एक एंजल है वो सबके लिए, जिनको हेल्प चाहिए। तो हाँ, मैं इससे जुड़ के बहुत ही खुश हूँ, और आगे भी बहुत सारे मौके मिलेंगे जहाँ पर हम लोग अपना टैलेंट दिखाएं और सबको अपना टैलेंट बांटें। तो टैलेंट बांटना, सपोर्ट करना और टीम वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये फाउंडेशन उन मतलब सबकी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। वंशिका वर्मा, आप लोगों ने मुझे बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा, और मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, तो ये जय वर्मा है, और ये हेलो गाइस, माय नेम इज़ जय वर्मा, और गाइस आपने मुझे बहुत सारे सीरियल में देखा होगा, क्राइम पेट्रोल, साउथर्न इंडिया, मेरी आवाज़ ही पहचान है, कुल्फी कुमार भाई वाला, माय नेम इज़ लखन, मेरे साई, और बहुत सारे बेबू सराय, और बहुत सारे सीरियल में आपने मुझे देखा होगा। और मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, कॉमेडियन भी हूँ, और माइम आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं मिमिक्री भी करता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पर, अगर यहाँ पर नाना पाटेकर जी आ गए तो वो तस्वीर वेलफेयर के लिए कैसे बोलेंगे? अगर मेरी मौत के तमाशे देखने, अगर मेरी मौत के तमाशे देखने, चलो मच्छर नहीं काटे उसका जुनून था, चलो हमने खुजाया वो हमारा सुकून था, मैंने तो कह दिया काट के उड़ जा, क्योंकि उसके रगों में हमारा खून था। तस्वीर वेलफेयर के लिए एक बार जोरदार तालिए। आपके सामने पेश करना चाहेंगे कि हर खुशी तेरी और मोड़ दो, तेरे लिए खुशियों का दरवाजा खोल दो, खुशियों का दरवाजा तेरे लिए खोल दो, अगर इतना काफी नहीं है तो दो चार झूठ और बोल दो, कि लैला से प्यार करके मजनू की किस्मत जाग गई, और मजनू ने इतने खत लिखे कि लैला पोस्टमैन के साथ भाग गई, कि सूरज जो जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगी, फिर लौट आने की खनक छोड़ जाऊंगी, कि सूरज जो जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगी, फिर लौट आने की खनक छोड़ जाऊंगी, मैं सबकी आंखों से आंसू समेट कर सबके दिलों में अपनी झलक छोड़ जाऊंगी। और अब मैं जय वर्मा के साथ कुछ ड्यूएट कॉमेडी करने वाले हैं हम, तो शुरू करते हैं। अच्छा जय वर्मा, तुम्हारी मम्मी कहते हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ बिल्कुल इंटेलिजेंट हो। बिल्कुल। तो क्या मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले लूँ? बिल्कुल ले लो। ओके, तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बताओ कि मुर्गी मतलब मुर्गियों की टांगें छोटी क्यों होती है?
मुर्गी की टांगे छोटी क्यों होती है? अगर मुर्गी की टांगे लंबी होंगी तो अंडे फूटने जाएंगे। ओ अच्छा ये बताओ कि पॉपकॉर्न तवे पे उछलते क्यों है? पॉपकॉर्न तवे पे उछलते क्यों है? खुद बैठ के देखो उछलती रहूंगी। अच्छा ये बताओ कि देश की सबसे ईमानदार पुलिस कहाँ पर पाई जाती है? देश की सबसे ईमानदार पुलिस कहाँ पाई जाती है? क्राइम पेट्रोल और साउथर्न इंडिया में। अरे बताओ कि ऐसी कौन सी कंपनी जिसमें महिलाएं और औरतें काम नहीं कर सकती? ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें महिलाएं और औरतें काम नहीं कर सकती? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड वो कैसे? क्योंकि औरत का काम आग लगाना होता है, आग बुझाना नहीं। अच्छा ये बताओ कि अगर लाइट चली जाए तो तुम टीवी कैसे देखोगे? मोमबत्ती जलाकर। तो है गाइस मैं आपको बहुत मैंने जैसे मिमिक्री सुनाई तो मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। आपको पता है आज मैं स्कूल से आ रहा था ना तो मैंने आसमान में देखा कि एरोप्लेन हेलीकॉप्टर और रॉकेट आपस में बात कर रहे थे। तो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर रॉकेट से नहीं पूछते, सीधा एरोप्लेन से पूछते हैं, एरोप्लेन तू कैसे उड़ता है? एरोप्लेन बोलता है मैं आगे वाली पंखड़ी और पीछे वाली पंखड़ी से उड़ता हूँ। अब एरोप्लेन और रॉकेट हेलीकॉप्टर से पूछता है हेलीकॉप्टर तू कैसे उड़ता है? हेलीकॉप्टर कहता है कि तू ऊपर फंका है ना उससे उड़ता हूँ। अब एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर रॉकेट से पूछते हैं रॉकेट तू कैसे उड़ता है? रॉकेट बोलता है मैं अपनी चड्डी में आग लगा के उड़ता हूँ। तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनाऊंगा, मर्द का दर्द। मर्द को दर्द होता है? मर्द को दर्द होता है? मैं पूछ रहा नहीं हूँ, बता रहा हूँ कि मर्द को दर्द होता है। जब किसी मर्द की गर्लफ्रेंड भागती है तब मर्द को दर्द होता है, और जब कोई मर्द गार्डन में जाता है ना और ब्यूटीफुल लेडी को देखता है ना और जब उससे नंबर मांगता है और जब वो घर पे जाके वो नंबर पे डायल करता है और वो नंबर अगर गलत निकल जाए तब मर्द को दर्द होता है। सही बात मेरी माँ की और मेरी बीवी की। जब मेरी माँ का बर्थडे आता है ना वही साल मेरी बीवी का बर्थडे आता है। तो मेरी माँ का बर्थडे जब आता है ना तो वही साल मेरी बीवी का बर्थडे आता है। तो मैं मेरी बीवी का बर्थडे भूल जाता हूँ तो मेरी बीवी घर में टांडा मचाना शुरू कर देती है। तो मैं उसको मनाने के लिए कहता हूँ कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी तू मुझसे दुखी और मैं तुझसे दुखी। तो वो मुझको पलट कर जवाब देती है कि छत पे जाओ और मार छलांग तू भी सुखी और मैं भी सुखी। तो ये तरह की मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ। और आप मैं जो मेरे पापा हैं संजय वर्मा एक्टर, हम उनके चाइल्ड हैं, किड्स हैं। तो मेरे संजय वर्मा जी की तरफ से और हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और ये न्यू ईयर सबके लिए बहुत ही अच्छा जाए और एक नई सनराइज लाए और हैप्पीनेस लाए और एक अलग सा रेनबो लेके आए सबके लिए। तो हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। हम लोग पूरे साल इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये साल ख़त्म होगा और फाइनली ये साल ख़त्म होने के लिए सिर्फ 1.5 दिन बचा है। तो हम ये साल को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सकते, मतलब बाहर जाके सेलिब्रेट नहीं कर सकते, वरना हमें अगले साल भी ऐसे ही करना पड़ेगा। आप अपने घर में सेफ रहिए और अपने फैमिली के साथ ही न्यू ईयर बनाइए और घर पे रहिए और अच्छे से न्यू ईयर बनाइए और सेफ रहिए और हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। 6 अपकमिंग मूवीज़ है जिसमें मैं लीड रोल कर रही हूँ और मेरे हिंदी मूवीज़ भी है, 3 हिंदी मूवीज़ है जिसमें भी मैं लीड रोल ही कर रही हूँ और मेरे वेब सीरीज़ है एंड सब अपकमिंग है। 2021 लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड यस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। लेकिन ये साल जैसे गए वैसे अगला साल ना जाए, इसलिए ये न्यू ईयर्स घर पे रहो, किसी के साथ मत बाहर जाके कुछ मास्क ना पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग ना पालना ये सब मत करो, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो ताकि नेक्स्ट ईयर हमें फिर से घर पे ना बैठना पड़े और सब काम ठीक से चले। एंड यस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड सेफ रहो। एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि विजयदशमी जी ने जो एक कदम उठाया छोटा सा, जो कदम है ये जो फाउंडेशन का, और फोटोग्राफर आर्टिस्ट और जो भी हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए जो इन्होंने कदम उठाया है वो बहुत सराहनीय है। मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि ये मतलब वो कदम उठाया जो हमारी एसोसिएशन नहीं ले सकती थी, वो एसोसिएशन भी कर सकती थी वो कदम को। जब हमारे यहाँ लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के टाइम पे उनको चाहिए था
कि अपने लोगों को बुला के कंपनसेशन कुछ तो दें, लेकिन मुझे लगता है कितने लोगों को मिला, मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को मिला होगा इसका बेनिफिट। या तो पहले तो एसोसिएशन की भीड़ है यहाँ पर, इम्पा हो गया, बिम्पा हो गया, कई है, बहुत सारी है। तो वो चीज़ों को मैं बोलती हूँ कि आई थैंक्सफुल टू तस्वीर जी, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। मैं इसके लिए बहुत, आप लोग आए उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि यूनिटी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ना जात होती है ना पात होती है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक इंसान की ज्ञान की क्षमता देखती है कि वो बताती है कि वो कितना ऊंचा है। बस मुझे इतना कहना था, और कुछ आपको लोग पूछना चाहते हैं तो वो भी मैं बताऊँ। किस तरीके से आप इन्विटेशन को देना चाहती हैं और क्या प्रोजेक्ट आप करना चाहती हैं, तो जरा दो शब्द। हाँ, मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। बेसिकली आई एम डांसर, क्लासिकल कथक, एंड मुंबई आई तो एक्टिंग का शौक लेके नहीं आई, मेरे को जबरदस्ती भेजा गया इस इंडस्ट्री में और मैं इंडस्ट्री में आ गई। फिर मेरी पहली फिल्म थी शोहरत, रिलीज 1996, एंड आफ्टर दैट वी जॉइन द चैनल इन मुंबई, एंड रामोजी राव उनके इन हाउस मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए, और उसके बाद इन मुंबई के लिए मेरा डबिंग स्टूडियो भी रहा है, कैमरा भी रहा है, एक छत्र राज किया है मैंने कैमरे में पूरी इंडस्ट्री में, चाहे वो एकता हो, सब टीवी हो, डीएजी हो या कोई भी। उसके बाद मैंने एड फिल्म्स बहुत किए, मिट्टी के अवार्ड फॉर द रेलवे प्लेटिनम जुबली 75 ईयर्स, एंड वी डन लॉट ऑफ एड फिल्म्स, एंड नाउ डेज वी राइट डाउन द वन मराठी फिल्म्स, भन्नाट मानूस, एंड टोटल कास्ट पूरी हो चुकी है। आफ्टर दिस फोर्थ और फिफ्थ वेल स्टार्टेड, जो भी मराठी है मोस्ट वेलकम इन माय मराठी, एंड वी आल्सो अभी मैंने वेब सीरीज की, अभी वेब सीरीज सॉल्व करने जा रही हूँ, जो भी इंटरेस्टेड है मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम। नया नया सवेरा मैम आपको मुबारक हो, ये हसीन चेहरा। बेहतर फाउंडेशन, इसमें हमने काफ़ी COVID-19 में काम किया है, और ये फाउंडेशन जो मैंने बनाया है, ये ए मीडिया है, ये सबको बनाती है हीरो, मगर ये बेचारे रह जाते हैं जीरो। मैं चाहता हूँ इनके गॉडफादर हम सबको बनना है, और इनकी इनको कोई कहीं भी कोई ऐसा रास्ता निकाल ले कि फोटोग्राफर लोग हैं, इनके लिए हम कुछ टच दें, कि मीडिया के लोग हैं, काफ़ी लोग को नाम देते हैं, तो इनके बारे में कुछ अच्छा होना चाहिए। और दो शब्द मीडिया के लिए, दो शब्द अपने लिए, दो शब्द तबसे वेलफेयर फाउंडेशन के लिए। और एक वेरी गुड एक्टर और अपकमिंग है, कम फ्रॉम नॉर्थ साइड, ये हीरो सर। हाँ देखिए, हर इंसान की कभी ना कभी जीरो से शुरुआत होती है, चाहे दुनिया में कोई भी इंसान पैदा हुआ उसने हमेशा जीरो से ही शुरुआत की। मैंने भी जीरो शुरुआत की थी 9 साल पहले, तस्वीर जी भी शुरुआत कर चुके हैं, और अभी हम सबको बहुत आगे जाना है, मुझे आपको सबको बहुत आगे जाना है, तो अभी तो हम रास्ते में ही हैं, अभी आप देखते जाइए आगे क्या क्या होता है, बहुत मज़ा आएगा। मैंने देखते देखते 250 टीवी शो कर दिए, मेरी 10वीं फिल्म आने वाली है बॉलीवुड की, और मैंने लास्ट अभी फिल्म साइन की अर्जुन रामपाल के साथ, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, और अभी एक फिल्म करके आ रहा हूँ मैं कार्तिक आर्यन के साथ, धमाका करके। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा सबूत मैं हूँ, मैंने जीरो से शुरुआत की थी और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ सिर्फ अपनी मेहनत से और लोगों के सपोर्ट से। तो कीप सपोर्टिंग, लोगों को सपोर्ट करते हैं, अच्छे बहुत अच्छे मकसद से शुरू हुआ है, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत आगे तक जाएंगे, जैसे वो आपने देखा है इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं,
और ये सारे काम बेसिकली हम सबको सपोर्ट करने चाहिए। और मैं बस यही दुआ करता हूँ, मैं यही प्रे करता हूँ भगवान से कि बस ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फराह खान जी की आवाज़। जस्ट स्टॉप इट यार अनु, यार जस्ट स्टॉप इट यार, ये क्या हालत है यार, क्या हालत बना रखी है। देखो 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 कैटरीना, देखो मैं आपको सिखाती हूँ। देख शीला की जब आनी, सो इट्स लाइक लेफ्ट एंड राइट। ओके ओके अनु, यू 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 विल जस्ट गेट इट यार। तो जैसे कि किरण खेर जी की आवाज, ओए होए दिख नहीं जाता, ओए होए होए, अरे तुमने जो परफॉर्मेंस किया ना, अरे अगर तुम गिर जाते तो मतलब हमारी तो जॉब भी चली जाती है। आपने ना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन ना मेरी तरफ से ना है। जैसे कि एहसान कुरैशी जी की आवाज, चाय पियो कप में, प्याली में क्या रखा है, दिल लगा लो साली में, गरमाली में क्या रखा है। जैसे कि आशा भोसले जी की आवाज, आपको पता है उस जमाने में भी क्या दिन थे, हम लोग दो चोटियां बनाकर रिकॉर्डिंग पर जाया करते थे, बड़ा ही मजा आया करता था। जैसे कि जॉनी लीवर जी की आवाज, ओए अब्बड़ अब्बड़ जब्बा, हाँ ये मेरा छोटा बेटा है, उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इसको मैं इंजीनियर बनाऊंगा, इसको मैं भिखारी बनाऊंगा, अब्बड़ अब्बड़ जब्बा। और मैं पहले नाना पाटेकर सर की, मैं उनके पास चले गया, मैंने कहा अंकल नाना सर मुझे ना मच्छरों के ऊपर शायरी लिखवा दो। तो वो कहते हैं आ गई मेरी मौत के तमाशे देखने, आ गई मेरी मौत के तमाशे देखने, चलो मच्छर नहीं काटे उसका जुनून तब, चलो हमने खुजाया वो हमारा सुकून तब, मच्छर नहीं काटे उसका जुनून तब, चलो हमने खुजाया वो हमारा सुकून तब, मैंने तो कह दिया काट के पर जा, क्योंकि उसके रोग में हमारा ही खून था। और जैसे प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाम गुरु, प्रेम चोपड़ा नंग नायक नंग निचूर। और शमशाद बेगम, मिलते हैं या के दलों दीवाना किसी का। और लालू प्रसाद, अरे देखे थे आशा, जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू और डांट करेगा वो रर रर रर। और बहुत सारी मतलब मैं फॉली आवाज़ें भी निकालता हूँ। और जो एनिमेटेड स्टोरी होती है, जैसे डोरेमोन, डोरेमोन में एक करेक्टर है शिजुका, तो उसका मैं थोड़ा वॉइस ओवर भी करता हूँ मैं बहुत सारे एपिसोड में। तो शिजुका की मिमिक्री कैसे होती है उसमें, उसकी आवाज़ कहते हैं डोरेमोन क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगे। और दो शब्द बस हम चाहते हैं कि तस्वीर पेपर फाउंडेशन के लिए बोलें और नए साल के लिए बोलें, और ये मीडिया है, मीडिया को थोड़ा सा शुभकामनाएं दी जाए कि यही नए साल की। आप सभी लोगों को नए साल की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 तो सबके लिए बैड लग रहा और सबने इस मतलब फैमिली को सबसे ज़्यादा टाइम दिया है जो कभी मिलता नहीं था। फैमिली भी हैप्पी, कई फैमिली तो इरीटेट होगी कि अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो जाए। और नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है कि आई होप सबके लिए बहुत अच्छा और सबके लिए मतलब खुशियों भरा हो और हैपनिंग हो। 21 मेरी विषय से ये है कि सबके लिए हैपनिंग हो। और वेल्फ एंड फाउंडेशन का जो पाजी कर रहे हैं, बहुत लॉकडाउन में भी मैंने बोला था लास्ट टाइम कि बहुत मेहनत की है उन्होंने, और इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि शायद हम जैसे लोग तो घर में चुपचाप मास्क लगा के बैठे हैं या कहीं निकल रहे हैं तो भी मास्क लगा रहे हैं, बट पाजी ने जो पब्लिक के लिए मेहनत की, गरीब बच्चों के लिए मेहनत की, ही सेड कि अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की मदद करना, इट्स नॉट ईजी दैट टाइम। उसी को तस्वीर बोलते हैं। मीडिया सबसे बड़ा इसके सामने तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप अपने बारे में, मीडिया के बारे में, अरे मीडिया तो इंडस्ट्री की जान, हमेशा हीरो हमेशा रही है आज भी। और सबसे पहले तो सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैं बहुत लेट हो गया है ना, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से। और सबको नए साल के लिए सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और ये साल तो बहुत अच्छा रहा, नो डाउट, ऐसा नहीं है,
क्योंकि कोई भी चीज़ अगर जाती है और हम सोचते हैं कि शायद वो हमारे लिए बुरा एक्सपीरियंस है, बट ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को एक परिवार में रहना सिखा करके जा रही है ना। जो लोग हम लोग फ़ोन पे, कॉल पे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोग तो अकेला रहना पसंद करने लग गए थे, पर ये जो टाइम है, ये टाइम हमको अपनों की पहचान करा के जा रहा है। ये सबसे अच्छी बात है हम सब के लिए, और आने वाले कल में, आने वाला साल सबके लिए बहुत अच्छा हो, खुशियों भरा हो, और सब लोग तरक्की करें, हम सब लोग तरक्की करें। धन्यवाद। साथ साथ अपकमिंग माय न्यू मूवीज मीरा द अनटचेबल लव उन्होंने राइटिंग की है और बहुत जल्दी ऑन फ्लो आने वाला है प्रोजेक्ट। तो आई होप कि ये मूवी, ये कॉन्सेप्ट बहुत आपको पसंद आए, आप लाइक करिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। इन्होंने जो मेहनत की है उस प्रोजेक्ट के लिए, और बहुत जल्दी ऑन फ्लो पे लाने और इन्होंने जो मुझे प्यार दे के एक मुझे हौसला अफजाई किया है कि नहीं आप बेटा करो, चाहत आगे बढ़ो और मैं आपके साथ हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं इनकी ब्लेसिंग है। तो थैंक यू बाजी, थैंक यू बाजी, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, ऐसा लाइक करते हैं। अच्छा काम हमसे होगा तो हम मीडिया के साथ में। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम वीर सिंह खोकर और मैं एक्टर हूँ। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में मैं 2010 में आ गया था। उससे पहले मैं इंडियन आर्मी के अंदर एज ए सुल्तान मेजर था, इंडियन आर्मी के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में था। उस डिपार्टमेंट का काम भी सैनिकों को इंटरटेनमेंट करना ही है, वहाँ पर भी मैं एक्टर था। तो उसके बाद मैं मुंबई में आ गया। मुंबई में आने के बाद में मैंने 15-20 सीरियल्स किए हैं, जिनमें मेरे लंबे लंबे ट्रैक है। जय 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 बजरंगबली में मेरे काफ़ी लंबे ट्रैक हैं, कई कई एपिसोड हैं उसमें, हॉन्टेड नाइट्स और बहुत सारे सीरियल किए हैं, साथ निभाना साथिया, और कुछ बड़े कलाकारों के साथ में मैंने फिल्में भी की हैं। ओमपुरी साहब के साथ में एक फिल्म की थी, उसमें मेरा पाकिस्तानी कैप्टन का रोल था, और अब तो वो दिवंगत है बेचारे, लेकिन वो अच्छे आदमी थे। उसके अलावा अर्जुन रामपाल की डैडी में अर्जुन रामपाल के डायरेक्शन में मैंने काम किया है, महेश भट्ट साहब के साथ में काम किया है, और कई एक मैंने एड फिल्में की हैं। उसके अलावा अभी अभी जस्ट मैं एक फिल्म करके आया हूँ, जिसका चरखारी में शूट हुआ था, महोबा में, तो उस फिल्म का नाम है प्रेमातुर। वो अभी पोस्ट प्रोडक्शन पे है, और इसके बाद में 3-4 फिल्में और हैं मेरे हाथ में, उन्हें काम करूँगा, और मैं खुद भी अपनी एक मूवी मेकिंग के बारे में सोच रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 2021 के अंदर हम लोग सब जो मिलके इस फाउंडेशन के अंदर अच्छा काम करेंगे, और तस्वीर वेलफेयर फाउंडेशन ने जो काम किया है, जितना अच्छा काम किया है ये कोरोना काल में, आई थिंक दैट हर एक नहीं कर सकता। हम सब लोग डरे हुए थे और बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते थे, बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे साथी यहाँ से भाग गए मुंबई में से, लेकिन ऐसे समय में भी एक सच्चे सैनिक की तरह से तस्वीर साहब, वो हमारे मित्र भी हैं, अच्छे सहयोगी भी हैं, और उनकी फाउंडेशन का मैंने बहुत बारीकी से इसे देखा है, ऑब्जर्व किया है कि उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया, और इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और मैं इस फाउंडेशन के साथ में भी हूँ, मैं सिंटा मेंबर भी हूँ। मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो वेलफेयर फाउंडेशन है, एनजीओस है, जो पाजी काम कर रहे हैं विजय तस्वीर जी, बहुत देख के खुशी मिलती है, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं उन्हें कि इस डोनेट में भी वो इतनी लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी मुझसे भी होगा, जितनी भी हेल्प होगी, आई होप कि मैं करूँगी उन्हें, और जिन लोगों से मुझे हेल्प भी करानी है शायद मैं उन्हें भी प्रेसलाइज करूँगी कि करो, क्योंकि ये बहुत नेक और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं तो बहुत हैप्पीनेस होती है, क्योंकि मेरा तो ड्रीम ही यही है कि मैं बहुत बड़ा आश्रम खोलूँ और लोगों की मदद करना, सेवा करना। मेरा भी एक एनजीओ है, ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट लीग, जो ग्रामीण बच्चों के लिए है। तो आई होप से कि हम दोनों कनेक्ट होकर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। प्रोफेशनल फ्रेंड की बात करें तो क्या चल रहा है और कहाँ एंगेजमेंट्स के लिए पता चलिए क्या करें। आप जैसे जानते होंगे पहले मेरा नाम चाहत खन्ना के नाम से था, आई चेंज माई आईडी, एक्चुअली ऑफिशियल कर दिया है, चाहत सूर्यवंशी कर दिया है,
तो मैं सबसे पहले आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप चाहत खन्ना को जितना प्यार देते थे उतना चाहत सूर्यवंशी को भी दीजिए। और मेरी इंस्टा आईडी है चाहत सूर्यवंशी ऑफिशियली। और अभी जो मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, जो लास्ट मेरी मूवी थी बाईपास रोड एज अ गेस्ट एपियरेंस, तो रिलीज़ हो चुकी है। उसमें भी नीलनीति मुकेश लीड कैरेक्टर थे। और अपकमिंग सून माई म्यूजिक वीडियोज, 40 सीरीज और एक फीचर फिल्म्स आ रही है मीरा द अनटचेबल। प्रोजेक्ट की बात करें, मीरा दा अनटचेबल किस तरह का प्रोजेक्ट हुआ? सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मीरा भी दा अनटचेबल भी क्या कहना चाहेंगे? एक आज का जो प्यार है, कब अफेयर होता है कब ख़त्म हो जाता पता नहीं चलता। फीलिंग्स इमोशन एक्चुअल में जो अटैचमेंट होती है, लव क्या होता है, हम किसी को पाते नहीं हैं तो भी हमें प्यार है। आपने तो सुना ही होगा मीरा बाई फेस्टिवल वन लेडी है, उन्हीं के ऊपर बेस है और बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। सर आपसे हम जानना क्या करेंगे तस्वीर फाउंडेशन के बारे में और जो इनिशिएटिव इनका है उसके बारे में? सबसे पहले तो तस्वीर वेलफेयर एसोसिएशन को थैंक यू कहना चाहूँगा, शुक्रगुजार हुई हूँ मैं। और हम लोग साथ में ही जुड़े हुए हैं और ये तो मतलब कोरोना काल के मतलब महापुरुषों में शामिल हैं, हेल्प करने में आगे बढ़े हैं हमेशा से। और इनका जो एक्चुअली जो इंसान का एक नेचर होता है, तो जो तस्वीर साहब का जो नेचर है ना वो हेल्पफुल है, लोगों के लिए हमेशा आगे आते हैं मदद करने के लिए, चाहे वो जिस तरीके से भी मदद कर सकें पर वो करते ज़रूर हैं। प्रोफेशनल फ्रेंड की बात करें तो क्या प्रोफेशनली, तो अभी चाहत जी ने जैसे नाम लिया मीरा द अनटचेबल लव स्टोरी, उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी फिल्म है और जिसमें हम लोग सबसे बड़ी बात है प्यार, जिससे हम सब लोग कहीं ना कहीं अछूते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं और जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छे से हम लोग उसको लेकर के आगे जाएंगे। तो मतलब शूटिंग वगैरह की बात करें तो शूटिंग शुरू हो चुकी है, होने वाली है या कब तक दर्शकों के लिए मिलेगी? नहीं नहीं, अभी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, प्री वर्क चल रहा है और हम लोग बहुत डीपली जा करके सारी चीज़ें रिसर्च कर करके भी, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि यहाँ पे अगर छोटी सी भी मिस्टेक अगर हो जाती है तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और फिर उस चीज़ को अवॉइड कर दिया जाता है। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक ऐसी चीज़ ले करके जाएँ जिससे लोग उसको एक्सेप्ट करें और आगे हमें प्रोत्साहित करें काम करने के लिए। और जैसा बताया कि तस्वीर जी का तो इसमें सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि वो इसके कर्णधार हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी अच्छी राइटिंग कर लेते हैं, पर लेकिन जब मैंने देखा उनकी लिखने की जो कार्यशैली है, लेखनी उनकी जितनी मजबूत है वो बहुत मतलब उम्दा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। जैसे आपने देखा होगा कृष्ण भगवान के बिना राधा अधूरी रही है, वैसे हमारा जो मीरा द अनटचेबल प्रोजेक्ट है वो स्टोरी विजय तस्वीर के बिना अधूरी है। जी जी। अरे भैया मुंडे न्यूज़ चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।